दोस्तों आपको सबसे पहले गैलरी BST ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद BST ऐप को आपको आपकी आईडी से लॉगिन कर देना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये BST ऐप है जिसको आपको आपकी आईडी से जिसका भी अकाउंट अपडेट करना है जिसके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल दिखाई दे रहा है आपके सबसे ऊपर, सबसे फर्स्ट वाला, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इनमें से बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें प्रोफाइल है, बैंक अपडेट है, पैन अपडेट है, मोबाइल अपडेट है। इनमें से आपको बैंक अकाउंट ही अपडेट करना है। जैसे कि हम बैंक अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बैंक अकाउंट अपडेट करना है। इसमें बहुत सारे फीचर है, तो हम चलते हैं बैंक अकाउंट अपडेट पे। यहाँ पर जाने के बाद ये लिखा हुआ अलर्ट, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद कंटिन्यू टू अपलोड, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जहाँ अपडेट लिखा हुआ इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने होल्डर नेम आ जाएगा। जैसे कि मैं जिसका मतलब जो भी आईडी उसी का होल्डर नाम लिखना है, जिसका मतलब जो कोई भी बीडी जिसका हम अपन आईडी से आपका बैंक अकाउंट अपडेट करते उसी का ही होल्डर नेम लिखना, उसी का ही बैंक अकाउंट लिखना। जैसे मैं नाम लिख दिया और बैंक अकाउंट लिख दे रहा हूँ। बैंक अकाउंट लिखने के बाद आपका इनमें से बैंक सेलेक्ट करना है कि बैंक कौन सी है। कोई भी बैंक चलेगी, इसमें बहुत सारी बैंक है, बहुत सारा फ्यूचर दिया हुआ लंबा चौड़ा, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी इनमें बैंक जो भी आपकी बैंक है उसका अपडेट कर सकते हैं। कोई भी बैंक चलेगी, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स बैंक है, तो आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर दे। इसमें आपको उसके बाद करना ब्रांच कौन सी आपकी, ब्रांच सेलेक्टेड कर देना, जो भी आपके आईडी में डायरी है उसमें लिखा हुआ होगा। उसके बाद सिटी लिख देना, सिटी कौन सी है वो भी लिख देना। उसके बाद आपका IFSC कोड, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि आपका लोकेशन मिल जाता है कि ये बैंक सच में वहाँ पर हैं, तो आप वो सही से डालें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे आप देख सकते हैं इसमें होने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा फ़ोटो खींचने के लिए। आपको बैंक अकाउंट की डायरी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि फ़ोटो खींचना ज़रूरी है। फ़ोटो खींचे बिना आपका अपलोड नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले कैमरे पर क्लिक कर लेना। कैमरे पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो खींच लेना है। जैसे कि मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ, आपको बैक कैमरा करके फ़ोटो खींच लेना। इसकी बैंक डायरी की जो भी है क्लियरिटी होनी चाहिए। इसमें क्लियरिटी होने के बाद ही आप एक फ़ोटो अच्छे से खींच के आप इसको अपलोड कर देना है। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो खींच लिया, फ़ोटो खींचने के बाद अपलोड करना है। जैसे कि फ़ोटो खींचने के बाद इसके अपलोड पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद थोड़ा कुछ समय लेगा, समय लेने के बाद आपका अपलोड हो जाएगा, लेकिन ये पेंडिंग में पड़ा रहेगा, क्योंकि जब तक अप्रूवेड नहीं होगा तब तक आपका अपडेट नहीं होगा। ये लिखा हुआ आ रहा है बैंक डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, हो चुका है, लेकिन ये पेंडिंग में रहेगा। जैसे स्टेटस दिखाई दे रहा है पेंडिंग में, आप देख सकते हैं इसमें आपका आईडी नंबर, अपने अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच, सिटी और IFSC कोड। आप स्क्रीनशॉट भी ले रख सकते हैं। इसमें आपका होल्डर नेम वगैरह सब है। इसमें स्टेटस है पेंडिंग, जो कि पेंडिंग रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद 6-7 दिन या 10 दिन या इसमें फिक्स नहीं कब लग सकता, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हर डिस्ट्रीब्यूटर तक ये वीडियो शेयर कर देना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा के रखना, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।